आतिश पीछे पांडे वो पीछे है पीछे ये कैमरा नीचे ले महेश एक मिनट इधर आ जाओ भाई साइड हट जाओ दादा दादा आप साइड हट जाओ ना भाई इधर इधर ले लेते सोहा मैम यहाँ पे सामने से नहीं तू पीछे आ जाना नहीं होगा सोहा मैम यहाँ पे सामने सोहा मैम सामने सोहा मैम इधर नहीं देखा ऊपर मैम तुषार सर एक फोटो सर तुषार सर थोड़ा ऊपर सर यहाँ से सर सर तुषार सर तुषार सर यहाँ पे लक्ष्य यहाँ पे हैप्पी बर्थडे लक्ष्य हैप्पी बर्थडे तुषार सर यहाँ पे सर यहाँ पे मेरा बिल्डिंग नहीं है ना मैं क्या करूँ अरे मत मार बड़ा हो जाएगा बात महेश आ गया थोड़ा यहाँ पे मैम मैम मैं फोटो करती हूँ अंकल थोड़ा साइड हो जाओ आप इन द सेंटर मैम इधर देखा है ना इधर मैम यहाँ पे मैम यहाँ पे ये लेफ्ट में मैम यहाँ पे चीज इधर लेफ्ट इधर देखा है ना मैडम मैम यहाँ पे मैम मैं सर यहाँ पे एक फोटो कर देना सर सर एक फोटो सर मैं ऊपर ऊपर मैम एक फोटो करते साथ में ऊपर ऊपर विशाल थोड़ा वाटी मैं बोलता हूँ भैया जाने का जगह तो ये जाने का
भाई थोड़ा साइड दे दो ना वो भाई यार साइड दे दो भाई साइड दे दो इतान बाइट कौन मिलता है लू क्यों मैम करण सर एक सेकंड करण सर यहाँ पर करण सर वेट थैंक यू थोड़ा पीछे आओ ना भाई ये भाई पीछे ना दोस्त मैम यहाँ पे बहुत अच्छा दिन था उसका बर्थडे 3 साल हो गए आप लोग आए थे जब पैदा हुआ था आई रिमेम्बर आप लोग आए थे घर पे और अब टाइम तो मतलब कैसे गुजरा है ये मतलब समझ में नहीं आ रहा है फिलहाल गर्मी है बहुत आज और लक्ष्य घर नहीं जाना है उसका पार्टी खत्म हो गया लेकिन तो घर नहीं जाना है ऑफकोर्स हाँ मतलब आज घर पे नहीं रखी पार्टी क्योंकि पिछले दो सालों में घर पे रखी थी पार्टी लेकिन आज यहाँ रखी है तो थोड़ा अलग सा था लेकिन यादें तो जुड़ी हैं क्योंकि हर साल फैमिली आती है और हम लोग केक काटते हैं जो एक मतलब कि ट्रेडिशन हो गया है बर्थडे पर और लक्ष्य का बर्थडे हमारी फैमिली के लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि हमारा पहला ग्रैंड चाइल्ड रहा है वो हमारी फैमिली का सो इट वाज फन आपकी तरफ से क्या गिफ्ट रहा है लक्ष्य को मैंने अभी तक कुछ गिफ्ट दिया नहीं मेरे पास इतने गिफ्ट पड़े हैं उसके पिछले बर्थडे से तो अभी मैं खोलूंगा वो तुषार साथ ही साथ अगर लक्ष्मी लोगों की बात करें तो काफ़ी कुछ हो रहा था और इसको लेकर उसके बारे में कुछ हमें बताइए कि क्या कुछ माजरा था जो वो फिल्म छोड़कर चले गए थे उसके बाद फिर एक सही मौके पर सही स्टेटमेंट हम दे देंगे कि नहीं फिलहाल अभी मुनासिब नहीं है इस बार मतलब जो मतलब आई डोंट थिंक इज द राइट टाइम टू अप्रोप्रिएट टाइम टू टॉक तो आई थिंक देयर विल बी अ स्टेटमेंट एट द राइट टाइम कुछ बातें हुई थी अक्षय सर से या आपसे कुछ लक्ष्य के बर्थडे पर ये बात छोड़ देते मतलब आई हैव नॉट इवन गॉन ऑन ट्विटर आई हैव टू गेट आउट ऑफ माई सन्स बर्थडे फर्स्ट थोड़ा मतलब रियल वर्ल्ड में आऊँगा मैं फिर देखते हैं थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू